हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक जेल का रिव्यू करने वाली हूँ। तो इसका जो कंप्लीट नेम है वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटाइनामिड जेल, क्लिंसोल जेल है ये। तो इसे ही हम क्यों यूज़ करते हैं इस जेल को गाइस। अगर आपके फेस पर हाइपर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स या पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर इस जेल को यूज़ किया जाता है गाइस। इसे मैंने लोकल डॉक्टर से लिया है, तो आप इसे मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो इस जेल को। तो आउटर पैकेजिंग देख सकते हो, इस तरह के कार्डबोर्ड के बॉक्स में आता है ये जेल। प्राइस की बात करें तो यह 85 रुपीज़ 2 ईयर्स की आपको इसमें शेल्फ लाइफ मिल जाएगी एंड 50 ग्राम इस जेल की क्वांटिटी है। तो इसे मैं आपको अंदर से ओपन करके दिखाती हूँ इस जेल को। तो गाइस, अंदर से कुछ इस तरह का ट्यूब में है ये जेल। एंड इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप देख सकते हो, इसमें क्लिंडामाइसिन है 1%, निकोटाइनामाइड है 4% एंड एलोवेरा एलाटाइन जेल बेस है इसमें। गाइस, इसमें जो एलोवेरा है ये अपनी हमारी स्किन को एकदम से हाइड्रेट करता है, हमारी स्किन को सूथ करता है। जब आप इस जेल को यूज़ करते हो ना अपने फेस पर, तो एकदम से कूलिंग इफेक्ट देता है आपके फेस पर एंड आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे पिगमेंटेशन के लिए हम इस जेल को यूज़ करते हैं, तो मेरे फेस पर भी पिगमेंटेशन एंड मैंने मुझे ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया इस जेल को। तो इसे मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया और मुझे 15 से 20 दिन हो गए इस जेल को यूज़ करते हुए। रात को सोने से पहले फेस को वॉश करके फिर इस जेल को यूज़ करना है एंड सुबह उठ के अपने फेस को वॉश कर लेना है गाइस। इसका जो प्रोसेस है इस जेल का वो बहुत ही स्लो है। आपको ऐसा नहीं कि आपको एक दिन लगाया और दूसरे दिन में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको पेशेंस रखने हैं और तो जाके आपकी स्किन पर ये वर्क करेगा। तो मेरे 15 से 20 दिन हो गए इस जेल को यूज़ करते हो एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 10% फर्क पड़ा मेरे फेस पर, ज़्यादा नहीं। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा झाइयों की प्रॉब्लम है तब ये वर्क नहीं करेगा, बट हाँ अगर आपको थोड़ी झाइयाँ हैं, थोड़ी हाइपर पिगमेंटेशन है या पिगमेंटेशन है तो ये स्किन पर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। बट आपको पेशेंस रखनी है क्योंकि जो झाइयाँ होती हैं वो एक तरह के लॉन्ग प्रोसेस में जाके ये ठीक होती हैं। आप चाहे किसी से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकती हो। आपको ये नहीं कि आज लगाया और 5 दिन में फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसी कोई क्रीम मिलती भी है जो एक दिन यूज़ करने के बाद आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाता है, गाइस उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बट ये जेल बेस जो गाइस जो ये जेल है काफ़ी अच्छा है एंड आप इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। मैं इसे गाइस इससे पहले मैंने झाइयों के लिए हाइड्रोक्विनोन स्किन लाइट क्रीम यूज़ की थी गाइस, उससे मेरी स्किन पर बहुत सारे साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो गए थे एंड उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई, आप लोगों के साथ शेयर भी करी थी कि उसे यूज़ मत करना क्योंकि उसमें बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि हमारी स्किन को एकदम से पतला कर देते हैं एंड बहुत से उसके साइड इफेक्ट हैं। बट इसे यूज़ करने से मेरे फेस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए एंड ये धीरे धीरे अगर आप लोग इस क्रीम को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपकी स्किन पर ये वर्क करेगी। अगर आप लोगों भी झाइयों को लेकर इस क्रीम को यूज़ करते हैं तो आपको और भी बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है कि आपको झाइयाँ किस वजह से हो रही हैं। अगर आपको कमजोरी की झाइयाँ हैं तो आपको जो वीकनेस कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स लेनी है या आप डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर सकते हो। और अपने जो खाने पीने का ध्यान रखना है, पानी आपको बहुत सारा पीना है। तो अगर आपको स्किन केयर रूटीन अपना फॉलो करना है फिर इस जेल को यूज़ करना है, तब जाके आपकी जो स्किन है वो सेट हो सकती है। अब आप मान सोचो कि सिर्फ जेल लगाया मैंने और मेरी स्किन पर फिर भी वर्क नहीं करी, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको सबसे पहले अपनी स्किन को अच्छे से क्लियर आउट करना है, स्किन केयर अच्छे से फॉलो करना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, तब जाके ये क्रीम्स वर्क करती हैं। तो अगर आप लोगों को भी थोड़ी प्रॉब्लम है फेस पर झाइयों की तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो। मेरी स्किन भी कॉम्बिनेशन है एंड नॉर्मल स्किन है मेरी, तो मेरी स्किन पर इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं क्योंकि इसमें जो एलोवेरा है एंड इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, ये हमारी स्किन को क्लियर आउट करने में हेल्प करती है। तो इस जेल को मैं अंदर से आपको ओपन करके दिखाती हूँ। जिस टाइम आप इस जेल को यूज़ करोगे ना तो आपको एकदम से कूलिंग इफेक्ट फील होगा। सी गाइस, इस तरह का जेल है एंड फ्रेग्रेंस भी काफ़ी इसकी, मतलब हाइड्रेशन वाली फ्रेग्रेंस है इसकी और काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पर ये कूलिंग इफेक्ट देगा। तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ करना एंड यूज़ तो आपको मैंने बता ही दिया। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है एंड उसके ऊपर इस जेल को, जहाँ भी आपको पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल्स हैं, वहाँ पर इस जेल को यूज़ करना है और अपने सुबह उठ के अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे लगा के धूप में नहीं जाना है और रात को सोने से पहले ही इस जेल को यूज़ करना है। जेल को लेना चाहते हो तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हो या लोकल जो डॉक्टर की शॉप्स होती हैं बांसे से बाय कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना एंड इससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।